ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, आवाज उठाना सबका अधिकार है, यह अधिकार हमको संविधान देता है। लेकिन उन बच्चे आज धरना दे रहे हैं, उनके आसपास टॉयलेट है, वो टॉयलेट पे ताला लगा दिया जा रहा है, वहाँ रात को लाइटें बंद की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके महिला वहाँ बैठी हुई है। उस परिवार पे क्या गुजरती होगी जिस परिवार ने यह सोचा था मेरा बच्चा कुछ नौकरी लग गया और उसको तत्काल हटा दिया गया। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और आप इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्देश करें कि राजीव गांधी युवा मित्र को एजीटीएस वापस लगाया जाए। श्री राजकुमार रोध महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई सरकार बनी, राजस्थान का युवा सोचता है कि हमारे हित में अच्छा काम हो, भर्तियां निकले, लेकिन जिस तरीके से 25/12/2023 को जो लेटर आया और उस पत्र के तहत 5000 युवाओं, उनके परिवारों और ये युवा, इनका काम ये था कि केंद्र और राज्य की जो योजना है, इस योजना को उस गरीब तक पहुंचाना, जिस जो गरीब शहर से दूर है, जिस गरीब परिवार में एजुकेशन नहीं है, उनको केंद्र और राज्य की योजनाओं को उस तक पहुंचाना, उनका उस तक लाभ पहुंचाना, ये उनका काम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पिछली सरकार ने लगाया, अब इस सरकार ने अब क्या सोच के ये निर्णय लिया, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपके सामने इस राजनीतिक विचारधाराओं से परे हटके इन युवाओं की जो भावना है, इन युवाओं का जो दर्द है, और इनको हटाने की वजह से उन गरीब परिवारों पे क्या असर पड़ने वाला है, जिन गरीब घर में जाके ये युवा बता रहा था कि ये आपकी योजना है, आप इसके पात्र हो और आप इसके तहत आवेदन करो, उन परिवारों पर क्या असर पड़ने वाला है, उसको लेके बात रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हटाने के पीछे कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमें एक भी सही तर्क नहीं लग रहा है। पूर्व सरकार ने लगाया था, कुछ नेताओं ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इन युवाओं पे क्या गुजरी होगी उस समय, वो राज्य सरकार की योजना नहीं केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार उस गरीब घर तक पहुंचा रहे थे। आज धरना चल रहा है इन युवाओं द्वारा, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट की सरकार ने लास्ट में जाते वक्त पंचायत सहायक की भर्ती की और उन पंचायत सहायक की जो भर्ती थी वो सरपंच और प्रिंसिपल मिलकर तय करते थे कि कौन बनेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मेरिट नहीं बनी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उस सरकार ने उनको नियमित रखा और उसी सरकार ने पंचायत सहायक को एक सम्मानजनक पद दिया और सम्मानजनक सैलरी दी। हम इस सरकार से भी ये आशा चाह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो लगाया था वो किसी के कार्यकर्ता नहीं थे, इनका इंटरव्यू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा, मैं उस धरना स्थल पे गया और एक व्यक्ति ने, बच्चे ने बोला कि मैं आरएसएस द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूं, अगर कांग्रेस ने भेदभाव पूर्ण तरीके से और कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करके अगर लगाया होता तो मैं कैसे लगा, ये उस आदमी ने सवाल किया। ये अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहूंगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, आवाज उठाना सबका अधिकार है, यह अधिकार हमको संविधान देता है। लेकिन उन बच्चे आज धरना दे रहे हैं, उनके आसपास टॉयलेट है, वो टॉयलेट पे ताला लगा दिया जा रहा है, वहां रात को लाइटें बंद की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके महिला वहां बैठी हुई है, उस परिवार पे क्या गुजरती होगी जिस परिवार ने यह सोचा था मेरा बच्चा कुछ नौकरी लग गया और उसको तत्काल हटा दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है, 20 से 25 भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है, हम चाहेंगे माननीय सदस्य सहायक इन जो बैठ के बात करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी भावना को समझते हुए जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और आप इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्देश करें कि इन राजीव गांधी युवा मित्र को एजीटीएस वापस लगाया जाए। और जो धरना दिया जा रहा है, अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, उनको परमिशन दे और इन युवाओं को राहत पहुंचाए, उस गरीब घर तक राहत पहुंचाए, छोटे छोटे बच्चे लेके सरकार मेडिकल की वहां सुविधा करवाए। ध्यान करना चाहते आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अंतिम यही निवेदन करना चाहूंगा कि इनको बहाल किया जाए। बैठिए।